नमस्कार INA न्यूज टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अंजलि शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होते ही रायबरेली का जिला प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। मॉडल कोड ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लगते ही सबसे पहले जिले भर में राजनीतिक दलों के होर्डिंग उतारे गए और बाद में जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर व SP अभिषेक अग्रवाल ने भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। अंत में जिला निर्वाचन अधिकारी और SP संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट स्थित बजट भवन में प्रेस वार्ता कर बताया कि रायबरेली लोकसभा चुनाव 20 मई को आयोजित होगा, जिसे लेकर जिले भर में उड़न दोस्त के साथ सोशल मीडिया सेल को प्रभारी कर दिया गया है। सर, अधिसूचना जारी होने के बाद जो शेड्यूल है वो तो मैडम ने बताया है, आपसे ये जानना है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या व्यवस्थाएं रहेंगे और फ्लो ऑफ न्यूज बढ़ जाता है तो उसमें फेक न्यूज को कैसे फिल्टर करेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद रायबरेली में 36 चेक पोस्ट और बैरियर लगाए गए हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलांस टीम है, उनको भी एक्टिवेट यहाँ पर आज कर दिया गया है। चुनाव स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से हो, इसके लिए पुलिस द्वारा और पैरामिलिट्री फोर्सेज द्वारा एरिया डोमिनेशन का प्रोग्राम है वो लगातार किया जा रहा है। जो अवांछनीय तत्व हैं उनको पाबंद किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है ताकि चुनाव एकदम निष्पक्ष रूप से हो सके। पुलिस द्वारा एक सोशल मीडिया सेल का भी गठन किया गया है, वो छोटे से छोटे मामले को देख रही है और यदि कोई अफवाह फैला रहा है, चुनाव को देखकर कोई अफवाह फैला रहा है तो उसमें ठोस कार्रवाई की जाएगी और उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। हमारा आप सभी लोगों से यही आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें ताकि हमारा जो लोकतंत्र है वो और मजबूत हो सके।